सेकेंड ऑल्टरनेटिव, मैं आप दो हलाल ऑप्शंस एक साथ में लेने वाला हूं, और ये दो हलाल ऑप्शंस जो है आज की तारीख में इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, समझ लीजिए जो इस्लामिक बैंक्स है उसमें बहुत लार्ज परसेंटेज ये दोनों हलाल ऑप्शंस का है। एक ऑप्शन है मुराबहा और अगला ऑप्शन है तवर्रुक। मुराबहा रिब से आता है, रिब का मतलब है प्रॉफिट। मुराबहा का हलाल ऑप्शन ये क्या है इसे हम समझते हैं। फर्स्ट चीज, हमने वो कार ओनर के बारे में डिस्कस किया जो कार ओनर कार बेचता है क्रेडिट पर, ये कार खरीदो कैश पे, डाउन पेमेंट पे खरीदोगे तो 1 लाख, क्रेडिट पर खरीदोगे तो 1,20,000, बेचते टाइम पे दो भाव में से एक तय होगा, 1 लाख में बेचे या 1,20,000 में बेचे। तो ये 1,20,000 में बेच रहा है 10,000 के 12 इंस्टॉलमेंट्स। कुछ उलमा है जो इसे गलत कहते हैं, लेकिन ये इतने कम है कि शेख बिन बाज जिन्होंने इजाजत दी है ऐसे ट्रांजैक्शन की, उन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट इजमा लेवल तक ये बात है कि पास्ट के उलमा में यहाँ तक आके ऑलमोस्ट इत्तेफाक के लेवल तक दिख रहा है, चारों इमाम इस बात के कायल है, कई सारे उलमा, हालांकि मेजॉरिटी दलील नहीं है, सही और गलत की दलील ज़्यादा और कम से कभी नहीं ली जाएगी, किसके पास दलील है उसकी बुनियाद पर ली जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये उलमा ने इजाज़त दी है किस बुनियाद पर, कि इसे रोकने वाली हदीस कौन सी है, वो हदीस अबू दाऊद की सही हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन बाआ बैअतैनी फिबया, जो एक तिजारत में दो तिजारत करेगा, फलहू औकसुहुमा अविर रिबा, तो दोनों में सस्ती वाली तिजारत है नहीं तो सूद है। एक तिजारत में दो करोगे तो सस्ती वाली है नहीं तो सूद है। इस हदीस की बुनियाद पर कुछ माइनॉरिटी उलमा ने कहा यह ट्रांजैक्शन गलत है। वो माइनॉरिटी उलमा में शेख अल्बानी भी है, जो अगर गिने तो सिर्फ चंद उलमा है जो पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में जिन्होंने ये व्यू कायम किया, उनमें से एक शेख अल्बानी जो आज के एक बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर है, हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनका भी यही मौकिफ है। उनका क्या कहना है कि ये तिजारत एक तिजारत में दो हो गई। अब हम ये देखें कि शेख बिन बाज ने दलाल दिए हैं जिसके मुताबिक पास्ट के अक्सर उलमा इसी मौकिफ के हैं, उन्होंने कहा कि देखिए एक तिजारत में दो नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि बेचते टाइम पर दो में से एक भाव तय है तो एक में दो नहीं हुई। जैसे बेचने वाले और ख़रीदने वाले जब डिस्कस करते हैं तो डिस्कशन में कई भाव बीच में आते हैं, ये कहेगा मुझे 1,20,000 चाहिए, वो कहेंगे नहीं नहीं मैं 1,10,000 दूंगा, फिर ये कहेंगे नहीं 1,18,000 दे दो, कहेंगे नहीं 12,000 ले लो। भाव तो कई आए डिस्कशन के दौरान, पॉइंट ऑफ सेल पर भाव अगर एक आ रहा है तो एक ही है, दो नहीं है। बैअतैनी फिल बया, एक तिजारत में दो तिजारत तब होगी जब दो भाव पॉइंट ऑफ सेल पे बाकी रहेंगे। पॉइंट ऑफ सेल पे अगर एक ही भाव है तो कोई हर्ज नहीं है। आज ही मेरा डिस्कशन किसी से हो रहा था तो डिस्कशन के दौरान मैंने कहा, क्योंकि दूसरे मौकिफ के थे, मैंने कहा कि देखिए एक गाड़ी बेचने वाला है, वो कहता है कि मैं ये गाड़ी 1,20,000 में बेचता हूँ और मुझे 10,000 के 12 इंस्टॉलमेंट चाहिए, क्या ये बेचना उनके लिए जायज़ है ना जायज़ है? ऑब्वियसली जायज़ है। कौन रोक सकता है इन्हें 1,20,000 में बेचने से? हम देखते हैं अलग अलग शोरूम में अलग अलग भाव भी होता है। ये कह रहे हैं मैं 1,20,000 में ही बेच रहा हूँ, मुझे 12 इंस्टॉलमेंट 10,000 के दे दो। वही गाड़ी दूसरा आदमी है जो कहता है मैं 1,00,000 में बेच रहा हूँ कैश पेमेंट, इनके लिए जायज़ है ना जायज़ है? जायज़ है। इनके लिए 1,00,000 में बेचना जायज़ है, इनके लिए 1,20,000 में बेचना जायज़ है। अगर एक ही आदमी दोनों चीज दे रहा है तो कहता है कैश में लो तो 1,00,000, क्रेडिट पे लो तो 1,20,000, तो क्या ये भी नाजायज है? तो सही बात है, जब दो अलग लोग कर रहे थे तो जायज था, दोनों एक साथ में आ गए तो कैसे नाजायज हो जाएगा, कौन सी दलील है? उसी तरह हमने मिसाल देखी थी बै असलम की। बै असलम के अंदर क्या होता है? एडवांस पेमेंट होता है, और एडवांस पेमेंट के बदले में कुछ वैल्यू उसकी कम की जाती है, कि जैसे मिसाल के तौर पर यह चीज है जो वैल्यू इसकी 50 रुपीज़ पर मग है। अच्छा, इतना ज़्यादा बोल दिया हूँ कि आप लोगों को शायद याद हो गया होगा, लेकिन इसकी रियली क्या वैल्यू मुझे भी नहीं मालूम है, सिर्फ मिसाल है। इसकी वैल्यू समझिए 50 रुपये पर मग है, और मग बनाने वाला बहुत अच्छे मग्स बनाता है लेकिन पैसे नहीं है उसके पास। अब पैसे नहीं है उसके पास तो वो कहता है इन्वेस्टर से कि ऐसा करो मैं तुम्हें 100 मग देता हूँ ये 50 रुपये वाले, यानी हो गए कितना अमाउंट? 5,000, कम अमाउंट हुआ, 1,000 मग देता हूँ। हाँ, जो 50 रुपए के मग है, 1,000 मग देता हूं, कितना अमाउंट हो गया?
50,000, लेकिन मैं तुम्हें 30,000 में देता हूं। जो होलसेल 50 रुपए में होते हैं, मैं वो तुम्हें 30,000 में देता हूं, लेकिन डिलीवरी एक साल बाद दूंगा, एक साल बाद डिलीवरी दूंगा, तुम मुझे अभी कैश दो। इन्होंने 30,000 दिया, एक साल बाद ये 1,000 मग्स डिलीवर करेंगे। 1,000 मग्स जिसका होलसेल प्राइस 50 रुपए है, उन्हें 30 रुपीज में मिल गए। इनका बेनिफिट क्या है? 20 रुपए तो ऐसे ही मार्जिन कमाया उन्होंने, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट कमाएंगे वो अलग। और बेचने वाले का क्या फायदा हुआ कि उसने 50 की चीज 30 में दे दिया, उसको एक साल के लिए वर्किंग कैपिटल मिल गया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर होता था, इसे बैअ सलम कहते हैं, सही बुखारी में किताबु सलम मौजूद है। अब इसमें भी तो दो भाव है, 50 रुपए और 30 रुपए, और ये तो बिल इत्तफाक जायज है, इसे तो किसी ने नहीं कहा ये नाजायज है, ये तो बिल इत्तफाक जायज है। तो हम ये देखते हैं कि ये दो भाव एक में होना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेचते टाइम पे एक भाव होना चाहिए। अगर बेचते टाइम पे दो भाव हुए, जैसे कि ये मैं बेच रहा हूं 12,000 में, 1,000 के 12 इंस्टॉलमेंट, लेकिन तुम्हारा इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं आया, तो फिर 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया? हाँ, ये सूद हो गया। यहाँ पे लेट फीस का नाम लगाए, पेनल्टी का नाम लगाए, लेकिन वो हो गया सूद, वो बयातैनी फिल बया भी हो गया, वो हदीस के तहत ये चीज गलत है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चीज जायज है, और इसी बुनियाद पर बहुत बड़ा इस्लामिक बैंकिंग का कंसेप्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे सऊदी में एक बैंक है, राजी बैंक। अब राजी बैंक का क्या है मामला कि वो लोग खुद के कार के शोरूम्स खोलते हैं, खुद के कार के शोरूम्स खोलते हैं, उनके खुद के कार के शोरूम्स होते हैं। आप जाओ उसमें, आप जाके पसंद कर रहे हो कि मुझे ये गाड़ी पसंद है, वो कहते हैं 1,20,000 में, 10,000 के 12 इंस्टॉलमेंट, उनका मार्जिन है। लेकिन ये क्या है? प्रोडक्ट सेल पर मार्जिन है, प्रोडक्ट सेल पर मार्जिन जायज होता है। तो इस्लामिक बैंक को बिजनेस करना पड़ता है। अब यहां लोग जिनके पास पैसे नहीं है, जो चाहते हैं कि वो कोई चीज खरीदे, जो हालांकि इस्लाम ने इनकरेज नहीं किया, ये कर्जे के बोझ में आ जाना, आज कल के पैसे आज खर्च करना, इस्लाम ने इस चीज को इनकरेज नहीं किया है। क्या आपको पता है जो आज रोज रोज फोन आते हैं, आपको लोन दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, इस्लाम ने लोन में होना अच्छा नहीं समझा। इसकी दलील कौन बताएगा? कर्जे में होना अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज है। कौन बताएगा? बुखारी की मशहूर हदीस है जी, अल्लाह के रसूल के टाइम पे एक शख्स का इंतकाल होता है, उसकी नमाज जनाजा की जब बात आती है तो पहले पूछते हैं कैसा कर्जा है क्या। फिर तो एक और हदीस में शहीद शहीद का भी अगर जब कर्जा अदा नहीं किया तो मतलब उसको सही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज पढ़ाने से पहले पूछते इनका कोई कर्जा बाकी है, और अगर मालूम होता कर्जा बाकी है लेकिन अदा नहीं किए है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सल्लु अला साहिबिकुम, तुम्हारे साथी की नमाज तुम लोग ही पढ़ाओ। ये शुरू नबूवत की बात है, शुरू के दौर की बात है। बाद में जब बैतुल माल कायम हो गया, बैतुल माल में माल होता था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिसके पास पैसे नहीं थे अपने कर्जे अदा करने के, मैं उसका कर्जा अदा करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ दिए कयामत के दिन के लिए। तो कर्जे में होना, और ऐसा कर्जा जिसके अंदर आदमी डूबा हुआ है। देखो बिजनेस में तो थोड़ा बहुत कर्जा तो चलता ही रहता है, लेकिन कर्जे के बोझ में आ जाना, ये क्या बात है? ये एक ऐसी चीज है जो इस्लाम ने अच्छा नहीं समझा। लेकिन आज कितने सारे लोगों को देखो कि सब चीज लोन 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 पे, घर भी लोन पे लिए हुए, कार भी लोन पे लिए हुए, मोबाइल भी लोन पे लिए हुए, सबके इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। अच्छी चीज नहीं है ये कर्जे के बोझ में होना। लेकिन अगर कोई शख्स चाहता है कि वो खरीदे, और उसके पास अगर ऐसे कुछ है मामला सिचुएशन, तो ये इंस्टॉलमेंट पर बेचना जायज है। जैसे हमने देखा कि 12 इंस्टॉलमेंट आएंगे 10,000 के, तो ऐसी इस्लामिक बैंक्स हैं जो ये ओपन करते हैं और वो करें। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि अगर ये इस्लामिक बैंक के पास खुद कार का पोजेशन नहीं है, खुद गाड़ी का पोजेशन नहीं है, तो बेच सकते हैं क्या? कितनी सारी इस्लामिक बैंक्स है गल्फ में जो गाड़ी का पोजेशन उनके पास होता नहीं है, लेकिन फिर भी बेचते हैं। लेकिन बेचने की एक जायज शक्ल हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक कस्टमर आया, उसने गाड़ी की फोटो देखा बैंक के शोरूम में, कहा मुझे ये गाड़ी चाहिए, 1,20,000 आपका भाव है, मुझे पसंद है, डन, मुझे ये गाड़ी चाहिए, 10,000 के मैं 12 इंस्टॉलमेंट दूंगा। अब ये शख्स चाहता है, इंटरेस्ट उसने बताया, बैंक के पास गाड़ी का पोजेशन तो है नहीं, क्योंकि राजी बैंक जैसे खुद कार के शोरूम्स खुद के खोलती है, तो वैसा खोलने वाली बैंक नहीं है ये। इसके पास क्या तरीका है बताइए? एजेंसी ले ले। खुद खरीदेगा बैंक। कार की एजेंसी अगर लेगी तो खुद क्रेडिट कैसे दे सकता है वो तो कंपनी जो क्रेडिट देगी वही होगा। कंपनी की क्रेडिट देने की लिमिट है। कार की कंपनी जो क्रेडिट पे कार देगी तो वो कितनी कार क्रेडिट पे बेच देगी?
उसका काम थोड़ी है कि उसके पास बहुत बड़ा कैपिटल है। हाँ है तो करो, लेकिन नहीं है अगर तो उनकी लिमिट है। तो यहीं पे तो बैंक पिक्चर में आती है, जो हमारी कंट्री में गाड़ी को देखा कि गाड़ी चाहिए, बैंक के पास पोजेशन तो है नहीं गाड़ी का। अब बैंक क्या करे, इस्लामिक बैंक क्या सही कर सकती है, क्या गलत कर सकती है, क्या सही कर सकती है, आप बताइए। बैंक खुद वो गाड़ी को खरीदेगी और उसके बाद फिर वो कस्टमर को बेचेगी। बिल्कुल सही, बैंक खुद गाड़ी को खरीदेगी, उसका पोजेशन लेगी, फिर कस्टमर को तब बेचेगी। पहले से बेच नहीं सकती, एडवांस ले सकती है। अगर एडवांस ली यानी बेच दिए, है ना, अग्रीमेंट ऑफ सेल बना सकती है, नहीं बना सकती। अग्रीमेंट ऑफ सेल का मतलब है बिक गया, बिका नहीं अभी तक कार, कब बिकेगी, पोजेशन लेने के बाद। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ला तबी मा लैसा इंदक, जो तुम्हारे पास नहीं है मत बेचना। और कुल्लू रिबहिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, हर वो नफा जो पोजेशन लिए बगैर आता है वो हलाल नहीं है, ला यहिल्लू, हलाल नहीं है वो नफा जो पोजेशन लिए बगैर मिलता है। पोजेशन लिए बगैर जो नफा मिला वो हलाल नहीं है, बैंक को पोजेशन लेना पड़ेगा। पोजेशन लेने के लिए फिजिकली गाड़ी मूव करके उसे अपने गोडाउन में लेना होगा, वहां से डिलीवरी जाएगी। कार के शोरूम से डायरेक्ट डिलीवरी दिए, पोजेशन नहीं लिए यानी। हत्ता यहूज़हु तुज्जारु इला रिहालिहिम, यहां तक आके ताजिर अपनी जगह तक ना ले जाए, तो बैंक को चाहिए कि अपनी जगह तक लेकर जाए। अब इसमें कुछ इस्लामिक बैंक्स गड़बड़ क्या क्या करती है, देखिए ये बताने में मकसद क्या है। आज तो है ही नहीं यहाँ पर हमारे पास, ये ऐसा नकली ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर हम सब सही बात जानेंगे तो हो सकता है थोड़े टाइम में, और जो कोशिशें हम देख रहे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह कंट्री में हो रही है, वो कोशिशें इंशाल्लाह रंग लाए और इस्लामिक बैंक्स शुरू हो जाएं। तो ऐसा नहीं कि बोगस इस्लामिक बैंक्स, नकली इस्लामिक बैंक्स जो सिर्फ नाम की इस्लामिक है और रिबा को रीपैकेज करके दे रही है। तो हम लोग अगर सही उसूल सीखेंगे जानेंगे तो हम इंशाल्लाह वो सही उसूलों की बुनियाद पर बात भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ क्या मसला है कि बैंक्स गड़बड़ क्या क्या करती है, सुनिए। पहली गड़बड़ वो लोग ये करते हैं कि बैंक कमिटमेंट ले लेती है कस्टमर से, और कमिटमेंट के अंदर कुछ ऐसा क्लॉज भी होता है, अगर आपने गाड़ी नहीं लिए तो आपको इतना इतना पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये बताती है कि ये एक अग्रीमेंट हो गया, उसी तरह प्रॉमिस का अग्रीमेंट बनाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए इस्लामिक लॉ में, इस्लामिक शरिया में प्रॉमिस मॉरली बाइंडिंग होता है, लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। यानी मॉरली अखलाकी तौर पर तो वादे को पूरा करना लाजिम है, लेकिन लीगल तौर पर उससे कोई लीगल लायबिलिटी पैदा नहीं होती प्रॉमिस से, वादे से। वादा करने की वजह से कोई लायबिलिटी पैदा नहीं होती कि तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि तुमने वादा किया था। वादा अखलाकी तौर पर लाजिम है लेकिन लीगली लाजिम नहीं है इस्लाम में। लेकिन मॉडर्न कमर्शियल लॉ में नॉर्मली प्रॉमिस बाइंडिंग होता है। तो यहां पर क्या होता है, प्रॉमिस का डॉक्यूमेंट बनाते हैं और इस्लामिकली बताते हैं देखो वाई बाइंडिंग नहीं है और लीगली बाइंडिंग है। तो हम ये देखते हैं ये वर्ड से खेलना है, हकीकत में ये ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं। कुछ इस्लामिक बैंक है जो अपने स्टाफ को भेजती है कार के शोरूम में कि जाओ वहां पे कार के शोरूम में, वहां जाके गाड़ी को थोड़ा बहुत चेक कर लो। अब बोलते हैं हमने पोजेशन ले लिए, लेकिन शेख इब्न उसैमीन का फतवा है, वो बताते हैं कि जो चीज मूवेबल है, मूवेबल जो मूवेबल चीजें हैं जो हिल सकती है, उसको फिजिकली वहां से हिला करके अपने पास लाओगे तो ही पोजेशन लिए, नहीं तो नहीं लिए। वहां जाके गाड़ी को थोड़ा बहुत चेक करने से पोजेशन नहीं होता है। तो वो लोग ऐसा नेम से कुछ एक नाम का पोजेशन लेते हैं ताकि उस चीज को कहे कि हलाल हो गई। और क्या करते हैं, कुछ ऐसी भी सो कॉल्ड इस्लामिक बैंक्स है जो क्या करते हैं, पोजेशन के नाम में ये करते हैं, पोजेशन के टॉपिक को इग्नोर ही करते हैं। वो क्या करते हैं, कहते हैं कि हमने बेचा, कार के शोरूम से डिलीवरी जा रही है और वो कहते हैं हमने बेचा, पोजेशन का कंसेप्ट ही नहीं है, पोजेशन का कंसेप्ट ही नहीं है। वो कहते हैं हमने बेचा, गाड़ी के शोरूम से गाड़ी जाएगी, पोजेशन लेने का कुछ कंसेप्ट ही नहीं है। अब ये क्या मामला है कि जब बैंक पोजेशन नहीं लेती, यानी कि वो कार उसकी थी ही नहीं, कार उसकी थी ही नहीं, कार उसकी थी नहीं तो बेच कैसे सकती है। ला तबी मा लैसा इंदक के तहत, सुन अबू दाऊद की सही हदीस है, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मत बेचो, उसके तहत ये ट्रांजैक्शन धोखा देने वाला ट्रांजैक्शन हो गया, ये चीटिंग वाला ट्रांजैक्शन है और ये सही नहीं है। तो मेरे ब्रदर्स, एक्चुअली बात यहाँ ये है कि ये टॉपिक पर बहुत सारे फ्रॉडुलेंट चीज़ें चलती है, जो हराम चीज़ को हलाल बताने की कोशिश करते हैं। और सही बात तो ये है कि हमें इस चीज़ में धोखे में नहीं आना चाहिए।
ताकि सही चीज़ करे। एक्चुअली बात क्या है ना, बैंक्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स उनके वो उन्हें बहुत डेंजरस लगते हैं। आप देखेंगे कि अगर किसी का फ्लैट ले लिए, किसी की कार ले लिए, तो उन्हें कार और फ्लैट रखने में इंटरेस्ट नहीं होता है कि कार की वैल्यू बढ़ेगी या फ्लैट की वैल्यू बढ़ेगी। वो जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वो बहुत रिस्की लगता है प्रोडक्ट को रखना। उन्हें पैसा चाहिए बस, क्योंकि वो पैसों का बिजनेस में है। तो नॉर्मली ये पोजेशन लेना, ये सब चीज़ें बैंक्स के लिए बहुत रिस्की चीज़ समझते हैं वो पोजेशन लिए, अगर हमारे गोडाउन में कुछ हो गया गाड़ी को तो। लेकिन वही तो बात है, प्रॉफिट तब आएगा जब रिस्क ऑफ लॉस होता है। जब रिस्क ऑफ लॉस होता है तो प्रॉफिट आता है। तो हम देखते हैं कि इस चीज़ के अंदर मुराबहा की सही गुंजाइश भी है। और जैसे इमाम शाफी का स्टेटमेंट है कि कैश में 5, क्रेडिट में 6, जो वो कहते हैं 5 इन कैश इज इक्विवेलेंट टू 6 इन डिफर्ड पेमेंट, कि 6-6 जो डिफर्ड पेमेंट में है, जो क्रेडिट में पेमेंट हो, तो कैश में 5, ये 5-6 के बराबर होते हैं क्रेडिट पेमेंट में, वो बताते हैं। उसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल का कॉल है कि कोई चीज़ ताखीर के लिए प्राइस में कुछ ऐड करना कोई गलत नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, जो फतावा इब्न तैमिया में शेख इब्न तैमिया ने भी जिक्र किया है। उसी तरह इमाम अबू हनीफा का है कि प्राइस बढ़ाया जा सकता है डिलेड पेमेंट के बदले में। तो ये कंसेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। और इसके बाद ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं। एक हदीस है जो शेख बिन बाज ने दलील के तौर पर पेश की है, फकाना याखुजुल बईर बी बईरैनी इला इब्लिस सदका। तो हम देखते हैं कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अलास को हुक्म दिया कि देखो, आर्मी को इक्विप करने के लिए ऊँटों की ज़रूरत है, तो जाओ जाके ऊँट खरीदो क्रेडिट पर, और हर एक ऊँट के बदले में बाद में सदक़े के ऊँटों में से 2 ऊँट दिए जाएंगे। मतलब क्या है कि डिफर्ड पेमेंट में बाद में इंक्रीज किया जा रहा है, जो यानी कि ये कैश और क्रेडिट के अंदर डिफरेंस की एक वाज़े हदीस है जो शेख बिन बाज ने इस हदीस को कोट किया है फतावा इस्लामिया में। और जो ये उलमा में इख्तलाफ है इस मौजू पर, ज़्यादा राजे कौल, जो ज़्यादा दलाइल की रोशनी में सही साबितशुदा बात यही दिख रही है कि ये चीज़ शरीयत में जायज़ है, लेकिन नाजायज़ करने की बहुत सारी शक्लें हैं जिसके तहत ये चीज़ नाजायज़ भी बन सकती है। और हम सबको इल्म के साथ, समझदारी के साथ, तकवे के साथ काम लेना चाहिए कि हम लोग हमेशा हलाल और जायज़ के दायरे में रहें इंशाल्लाह। ये हो गया सेकेंड हलाल ऑप्शन जो है मुराबहा। फर्स्ट हमने क्या देखा, कर्ज, सेकेंड मुराबहा। अब थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं तवर्रुक। सुनिए, अब एक शख्स है अब्दुल्ला भाई, जिन्होंने गए कोई अच्छी इस्लामिक बैंक में और जा करके उन्होंने कार खरीद ली, 1,20,000 में गाड़ी खरीद ली। कितने इंस्टॉलमेंट देने उन्हें, 10,000 के 12 महीने तक इंस्टॉलमेंट देने हैं। लेकर के आए घर पे, गाड़ी यूज़ किए थोड़े दिन, पैसों की ज़रूरत पड़ गई, पैसों की ज़रूरत पड़ गई। बोले, तुम्हारे पास गाड़ी तो है ना, बेच दो। अब ये गाड़ी जिसका पेमेंट बाकी है, लेकिन ये गाड़ी इनकी है, ये गाड़ी बैंक की नहीं है, जो इस्लामिक बैंक ने पेमेंट की उसकी गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी इनकी है। अब ये गाड़ी बेच देते हैं 90,000 में और 90,000 कैश ले लेते हैं क्योंकि गाड़ी इनकी है। तो ये कैश लेना जायज़ है, जो हम देखते हैं इस कैश लेने को तवर्रुक कहते हैं, कि जो चीज़ क्रेडिट पे ऐसे खरीदी गई है लेकिन उसको कैश में कोई बेच करके पैसे निकाल ले, उसे तवर्रुक कहते हैं। तवर्रुक जो वर्क से, यानी कि जो सिल्वर चांदी से आता है, तो तवर्रुक यानी उसकी चांदी, यानी उसकी वैल्यू निकाल लेना, कि कोई चीज़ है उसके अंदर से वैल्यू निकाल लिए, ये एक जायज़ शक्ल है। तो मिसाल के तौर पर किसी ने क्रेडिट पर ली थी गाड़ी, अब वो पेमेंट उसका जारी है, उसका पेमेंट करता रहेगा, वो 10,000 के इंस्टॉलमेंट जाते रहेंगे, लेकिन कैश की ज़रूरत पड़ी, उसने बेच करके कैश ले लिया, तवर्रुक है ये। तवर्रुक तो जायज़ है, लेकिन तवर्रुक को लोग मिसयूज़ करते हैं। कैसे मिसयूज़ करते हैं, और सो कॉल्ड इस्लामिक बैंक्स, मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। एक शख्स आ रहा है इस्लामिक बैंक में, सो कॉल्ड, हाँ देखिए, हमें इस्लामिक बैंक्स की ज़रूरत है, लेकिन बोगस इस्लामिक बैंक्स नहीं चाहिए, हमें असल इस्लामिक बैंक्स चाहिए।